ये छोटी बच्ची इतनी मासूम है कि उसकी माँ को मरे हुए 8 घंटे हो गए थे और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे लगा कि उसकी माँ सो रही होगी। उसी दौरान इस बच्ची का मौत से कई बार सामना हुआ। बच्ची ने एक टॉयलेट क्लीनर की बोतल को देखा। वह अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं इसे पी सकती हूँ या नहीं, लेकिन उसकी मृत माँ ने उसे अनदेखा कर दिया। इसलिए लड़की ने क्लीनर को अपने बोतल में डाला, लेकिन वो बोतल पूरी तरह से भर गया था। इसलिए उसे फिर से बड़ी बोतल में लिक्विड को डालना पड़ा और तभी वो गलती से अपने पैर से बोतल को लात मार देती है और वो लिक्विड पूरे फर्श पर फैल गया। इस बार वो इसे नहीं पी सकती थी। उसने अपनी माँ को खींचना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि उसकी माँ उठे और उसे कुछ खाने के लिए बना कर दे। खींचने के बाद भी उसने अपनी माँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, इसलिए उसे भोजन की तलाश में नीचे जाना पड़ा। लेकिन फर्श पहले से ही पानी से भरा हुआ था और वो फिसल कर नीचे गिर पड़ी। सौभाग्य से उसका शरीर ठीक था, लेकिन उसकी पैंट भीग गई और बच्ची को बचा हुआ खाना मिल गया जो उसने कल रात खाया था। और वो खाना लेकर दोबारा से अपने रूम में चली गई और तभी फोन की घंटी बजी।